नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल डॉक्टर निशांत बाटिया में बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम बात करेंगे हिर्सुटिज्म के बारे में, या फिर कहें अगर आम भाषा में तो अनचाहे बालों के बारे में। चेहरे पर स्त्रियों में जो अनचाहे बाल आ जाते हैं, या महिलाओं में जो अनचाहे बाल दिखाई देते हैं, उनकी दाढ़ी निकल आती है या मूछें बन जाती है, मूछें उगाती है, इसके बारे में बात करेंगे। यह क्यों होता है और इसके क्या क्या कॉजेज हैं और इसके होम्योपैथी में क्या क्या मेडिसिन्स हैं, उसके बारे में डिटेल्ड बात करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि हिर्सुटिज्म क्या है। हिर्सुटिज्म एक प्रकार का डिसऑर्डर है जिसमें आपके हार्मोन्स जो है वो डिसबैलेंस हो जाते हैं। फीमेल्स में कॉमनली यह देखा गया है कि उनके चेहरे पर बाल उगाते हैं, उनकी दाढ़ी निकल आती है या मूछें बन जाती हैं। यह जो है हार्मोनल डिसबैलेंस की वजह से होता है। जनरली फीमेल में मेल हार्मोन और फीमेल हार्मोन दोनों होते हैं, लेकिन जब मेल हार्मोन की मात्रा बढ़ जाती है तो यह देखने को मिलता है। साथ ही साथ जब मेल हार्मोन बढ़ जाता है तो आपको कुछ केसेस में पीसीओडी या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम की समस्या भी देखने को मिलती है। साथ ही साथ पीरियड्स भी डिस्टर्ब रहते हैं। यह एक मुख्य समस्या है। कई फिजियोलॉजिकल कंडीशंस में भी हिर्सुटिज्म की समस्या देखने को मिलती है, जैसे कि प्रेगनेंसी के बाद में, और किसी पेशेंट में अगर इंसुलिन की मात्रा अधिक हो जाती है उनके ब्लड में तो भी यह देखने को मिलता है। कॉमनली यह टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, या ऐसा कहें कि मेल एंड्रोजन हार्मोन्स के लेवल के बढ़ जाने के कारण ही फीमेल्स में यह समस्या देखने को मिलती है। अब हम बात करेंगे इसको डायग्नोस कैसे करें या इसके सिम्टम्स क्या है। तो इसका कोई डिटेल्ड सिम्टम नहीं है, यह सिर्फ बाल जो चेहरे पर उगते हैं उसी रूप में दिखाई देता है, या एकमात्र वही सिम्टम है। साथ ही साथ कुछ पेशेंट्स में, कुछ फीमेल्स में पीरियड्स भी एबनॉर्मल हो जाते हैं या डिस्टर्ब हो जाते हैं। बस ये दो प्रकार के सिम्टम हैं, इससे ज़्यादा कोई सिम्टम देखने को मिलता नहीं है। अब हम बात करेंगे होम्योपैथिक मेडिसिंस के बारे में, या होम्योपैथी में हम क्या क्या दे सकते हैं उसके बारे में। तो सबसे पहली मेडिसिन जो है थूजा 200, थूजा ऑक्सीडेंटलिस 200 मेडिसिन का आपको 2 बूंद हफ्ते में एक बार लेना है। मान लीजिए आपने संडे को अगर थूजा 200 की एक डोज सुबह सुबह ले ली है तो नेक्स्ट संडे आप इसको रिपीट करेंगे। ऐसा आपको हर संडे रिपीट करना है। दूसरी मेडिसिन जो है वह है REPL कंपनी का पेटेंट ड्रॉप है, जो हिर्सुटिज्म के नाम से ही आता है। और इस ड्रॉप का आपको 10 बूंद आधे कप पानी में डालकर दिन में 3 बार लेना है। इस दवा का आप 10 बूंद आधे कप पानी में डालिए तथा डायरेक्ट पी लीजिए। ऐसा आपको दिन में 3 बार करना है। तीसरी जो दवा है उसका नाम है ओलियम जैकोरिस 3X। ओलियम जैकोरिस या ओलियम जैक 3X मेडिसिन जो है टैबलेट फॉर्म में है, ट्राइचुरिसिन फॉर्म में है। इस मेडिसिन का आपको 2 गोली सुबह, 2 गोली दोपहर में तथा 2 गोली रात में लेना है। दिन में 3 बार चूसना है। इस प्रकार से यह 3 टाइप की मेडिसिन्स हैं। अगर ये 3 मेडिसिन आप रूटीन में रोज़ लेंगे और इसको कंटिन्यू आप 3 से 4 महीने लेंगे तो आपको अनचाहे बालों से छुटकारा मिल जाएगा, तथा यूँ कहें कि इस बीमारी से आपको, इस परेशानी से आपको रिलीफ हो जाएगा। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो मेरे इस YouTube वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए तथा मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।